अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ अजीहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना, बल्कि सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। और रमज़ान आ गया तो इट्स मास्क लेकर आई हूँ मैं टीनएजर्स के लिए। अच्छा, ये फेस मास्क जो है ना, ये बहुत अमेजिंगली वर्क करता है कि आप स्किन को ग्लो देगा, 100% ग्लो मिलेगा। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी अमेजिंग चीज़ है ना कि मैंने जब इसको ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, तो मैं खुद हैरान रह गई थी कि मेरी स्किन के साथ इसने इतने अच्छे से काम किया था। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। टीनएजर्स के लिए ये खास तौर पर है क्योंकि स्किन काफ़ी डल हो जाती है। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग के लिए मार्केट वगैरह में। तो अभी जैसे कि गर्मियां हैं तो सन टैन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्किन काफ़ी ज़्यादा डल है। ऊपर से रमज़ान की वजह से जो है वो वाटर के इनटेक हम उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं, पानी अपनी बॉडी हमारी जो है वो हाइड्रेट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से तो डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है। तो ये मास्क जो है ये आपको हाइड्रेशन भी देगा, इसके अलावा आपको ग्लो भी देगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट इस तरह के ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने लिया है बेसन 1 टेबल स्पून, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी मुल्तानी मिट्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आपको किसी भी लोकल स्टोर से, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से जो है वो ये मिल जाएगी, तो आपने इसको 1 टेबल स्पून ज़रूर ऐड करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सेतगनी की मुल्तानी मिट्टी यूज़ किया 1 टेबल स्पून। तानी मिट्टी जो है ना, वो उसके वैसे भी रिजल्ट बस मुनासिब हैं, लेकिन अगर आप उसको ऐसे यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इस पेस्ट में ऐड करेंगे ना, तो उसके रिज़ल्ट 100% जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ना, वो मैंने हनी ऐड कर दिया। ठीक है, हनी आपने 1/2 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड करना है। हनी ऐड करने के बाद जो है ना, वो आप रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके पास रोज़ वाटर आप ज़रूर ऐड करें, रोज़ वाटर नहीं है तो आप जो है ना इसमें फिर मिल्क जो है ना वो ऐड करके, रॉ मिल्क ऐड करके इसका पेस्ट बना लें, और अगर रॉ मिल्क भी नहीं है तो आप सादे पानी से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने इसको मिक्स कर दिया और ये जो है ना हमारा पेस्ट रेडी हो गया। अब आप इसको चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपने फिंगर्स यूज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं बहुत थिक है और नहीं ये जो है ना बहुत थिन है, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। चलें, तो मास्क रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है ना वो अपने हाथों से अप्लाई करती हूँ, ठीक है, मुझे तो मसला नहीं होता है सच। अच्छा, इसकी जो है ना वो कंसिस्टेंसी वाटरी इसलिए ज़्यादा है ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। ठीक है, इसमें हनी मैंने ऐड किया है। हनी जो है ना वो आपकी स्किन को मॉइस्चर देगा, आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, क्योंकि बेसन जो है ना वो ड्राइनेस कॉज करता है ज़्यादा स्किन पे, तो हनी जो है ना वो आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देगा। और मुल्तानी मिट्टी की वजह से एक बहुत ही अमेजिंग और क्लीन और सटल सा ग्लो आपकी स्किन पर आ जाएगा, और स्किन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी। इसका कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। इस मास्क को ना वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ टीनएजर्स के लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीनएजर्स नहीं हैं, आप मिड 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप किसी भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक है, डजंट मैटर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन के लिए भी बहुत मज़े की चीज़ है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना अमेजिंग मास्क जो है ना वो आपको मैंने बताया। आप चाहे तो इसको अपने हाथों पे, अपने पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इस मास्क एटलीस्ट वीक में 2 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए ईद तक, तो आपको वीक में 2 दफ़ा इसको लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं ड्राई होने दूंगी एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स, उसके बाद जो है मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉर्म नहीं होना चाहिए, तो आपने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को जो है वो वॉश करना है। सो इसको ड्राई होने देंगे, उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और फाइनल रिजल्ट आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।
अरे जी, तो फेस मैंने वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा शाइन करी है, एक्चुअल में करी है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी मॉइस्चराइज़र वगैरह स्किन पर अप्लाई नहीं किया। ये मास्क बहुत ज़बरदस्त है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी, ऑयली स्किन वालों के लिए भी। अच्छा, अभी तक मुझे जो है वो कोई ड्राइनेस फील नहीं हो रही, क्योंकि शहद ऐड किया था हमने, हनी ऐड किया था, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है, आपको किस तरह की रेमेडीज़ चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मेरे इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।